दल का मैं विधायक 5 साल रहा। मैं बहुत ही निष्ठा से और लगन से अपना दल में काम किया, लेकिन जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो मुझे सम्मान नहीं मिल पाया। और खासकर जो आशीष पटेल हैं MLC साहब, उनके व्यवहारों से, उनके कृत्यों से मैं असंतुष्ट हूँ। क्योंकि विधायकों का या किसी भी कार्यकर्ता का एक सम्मान होना चाहिए। जो सम्मान मिलना चाहिए विधायकों का, वो सम्मान दे नहीं पाते हैं, या जो कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दे नहीं पाते हैं। अभी हमारा टिकट उन्होंने काटा नहीं, मेरा टिकट ऐसा नहीं कि मेरा टिकट काट दिए तो मैं आ गया बसपा में। 5 साल में मुझे लगा कि वास्तव में जो सम्मान हमको मिलना चाहिए नहीं मिला, इसी को वजह से मैं छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी। किस तरह का सम्मान आपको नहीं मिला, कैसी उपेक्षा हुई है, क्यों आप चले हैं? जैसे उनके यहाँ गए मिलने, दो दो तीन तीन घंटा बाहर रहिए, एक मिनट की वार्ता होती है, फोन नहीं उठाते हैं। अगर फोन पे बात हुई तो एक मिनट में फोन काट देंगे, अगर गए तो झल्ला के बात करेंगे। जैसे मतलब अब मैं बोल दूंगा तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, अमित शाह जी वगैरह या बहन जी वगैरह से आप मिल के बात करेंगे तो अच्छे से बात हो जाएगी, इनके से अच्छे से बात भी आप नहीं कर पाएंगे। आप मीडिया हैं, मीडिया वाले जाके बात करके देख लीजिए कैसे बात करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। इनका जो थिंकिंग है वो सही नहीं है। बस है, आपको टिकट मिलेगा? देखिए, बसपा के हमारे जो है पूर्व जिला अध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठ नेता और मिर्जापुर के वो मुख्य सेक्टर प्रभारी पन्ना लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के। जैसा कि अभी मुख्य सेक्टर प्रभारी जी ने घोषणा किया कि दुद्धि के प्रभारी के रूप में हमें आज जिम्मेदारी इन्होंने सौंपा है, इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। तो प्रभारी का मतलब उसमें होता ही है कि आप जो है विधायक के प्रत्याशी भी उसको मान लिया जाता है। और बहन जी ने वैसे भी आशीर्वाद दे दिया है कि आप काम करो, आपके समाज को, आपको मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगी। ये माना जाए बसपा से आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अभी तो अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से एक हमारे कह दिए ना कि बसपा के प्रत्याशी होंगे। ये शाम तक, आज देर रात तक ये सब मामला क्लियर हो जाएगा, घोषणा होना बाकी है।